हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:20। पर्यटक ब्लॉग के इस नए वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। कृष्णा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर दें। ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है और कोलकाता से लगभग 660 किलोमीटर की है, इसीलिए सुबह 4 बजे से जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। यदि आप कृष्णा नगर, बहरामपुर, रायगंज और बोतलबारी के रास्ते दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो कोलकाता से दार्जिलिंग 640 किलोमीटर पड़ता है, और यदि आप बोतलबारी को छोड़कर डालखोला होते हुए जाना चाहते हैं तब दार्जिलिंग की दूरी 20 किलोमीटर बढ़कर 660 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों, कोलकाता से दार्जिलिंग जाने में कम से कम 17 से 18 घंटे का समय लगता है। यदि आप बाई रोड कोलकाता से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो रायगंज या सिलीगुड़ी में रुक सकते हैं, फिर अगली सुबह सुंदर चाय बागानों और पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। यदि आप सुबह 4 बजे भी निकलते हैं तो सीधे दार्जिलिंग पहुंचने में 9 या 10 बज जाएगा। रात में पहाड़ों में गाड़ी चलाना थोड़ा अनसे भी हो जाता है और रात में दार्जिलिंग जाते समय बहुत से पहाड़ों की खूबसूरती को मिस भी कर देंगे, इसीलिए सिलीगुड़ी में एक दिन रुककर थोड़ा रेस्ट लेकर अगली सुबह दार्जिलिंग के लिए निकलना आपके जर्नी को काफ़ी रोमांचक बना देगा। इसी तरह यदि आप वर्धमान होकर दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो यह रूट कोलकाता से 620 किलोमीटर पड़ता है, पर वर्धमान वाले रूट से दार्जिलिंग जाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि कहीं कहीं रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा बम्पर बनाए गए हैं और जाम भी बहुत ज़्यादा लगती है। अभी अप्रैल के महीने में कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को चुना और मुझे लगता है कि इस बार का डेस्टिनेशन आप सभी को भी काफ़ी पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, निकल चुके हैं इस बार बहुत ही सुंदर पहाड़ी डेस्टिनेशन के लिए और दार्जिलिंग जा रहे हैं हम लोग। सुबह 4 बजे निकले थे, अभी 8 बज चुका है और दार्जिलिंग यहाँ से 500 किलोमीटर है
और अभी यहाँ अभी इस वक्त अगर निकलते हैं तो लगभग 8 बज जाएगा दार्जिलिंग पहुँचने में। तो एक दिन यहाँ पे रुकने का प्रोग्राम है रायगंज में या फिर सिलीगुड़ी में, और दोनों में से देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। जहाँ पहुँचेंगे वहीं रुकेंगे, फिर अगला दिन हम लोग दार्जिलिंग पहुँचेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, जैसा होगा आपको दिखाते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। तो सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा रुके हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में और ब्रेकफास्ट करके अब सीधे जितना जहाँ तक जा सकते हैं देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्टली जाए तो 8:30 या 9 बज जाएगा दार्जिलिंग जाने में, दार्जिलिंग नहीं जाएंगे लेकिन सिलीगुड़ी तक, रायगंज या सिलीगुड़ी में रुकेंगे एक दिन के लिए, और अगला दिन फिर वहाँ से दार्जिलिंग की जर्नी जारी रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, रोड ट्रिप आपको आज़ादी का एहसास कराती है, ट्रेन या बस छूटने की चिंता नहीं होती और आप अपने अनुसार घूमते हैं। यदि आप अपनी कार या बाइक से रोड ट्रिप करते हैं तो किसी लंबे ट्रिप से पहले सर्विस जरूर करा लेना चाहिए और ज़रूरत के चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। दार्जिलिंग की मेरी पहली ट्रिप है, इससे पहले मैं दार्जिलिंग कभी नहीं गया था और मेरा दार्जिलिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। दोस्तों, मैं कोलकाता एयरपोर्ट के पास रहता हूं, इसीलिए मैंने कृष्णनगर, बहरमपुर और रायगंज होते हुए दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाया। कृष्णनगर जाते समय कहीं कहीं थोड़े बहुत रास्ते ख़राब मिले, बहुत सारे डाइवर्सन मिले क्योंकि रास्ते के रिपेयरिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। कृष्णनगर के कुछ दूर बाद से रास्ते काफ़ी अच्छे मिले और सिलीगुड़ी तक जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। Thank you.
फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में पड़ता है और नॉर्थ कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फरक्का इंडिया के सबसे बड़े बैराजों में से एक है। इसे गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका निर्माण 1974-75 में हुआ था। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है और इसमें 109 गेट हैं। इस बैरेज को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। देश आज़ाद होने के बाद कोलकाता बंदरगाह गाद की समस्या के चलते लगातार बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब पानी की गहराई कम हो जाने की वजह से बड़े जहाज कोलकाता बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते थे। उसी दौरान सर आर्थर कार्टन, जो कि एक ब्रिटिश जनरल और एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, उन्होंने पहली बार ऐसा कोई बांध बनाने का सुझाव दिया और उनके सुझाव पर विचार करते हुए फरक्का में बांध बनाने का फैसला किया गया। दोस्तों, फरक्का में बैरेज बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजा जा सके, जिससे हुगली में कोलकाता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चल सके। गर्मियों में नदियों के पानी का स्तर कम हो जाता है, इसीलिए हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बैरेज के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब इस बैरेज का निर्माण किया गया तो सोचा गया था कि बैरेज से छोड़े जाने वाले पानी के बहाव से कोलकाता बंदरगाह में जमने वाली गाद बह जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोलकाता बंदरगाह में जमने वाली गाद की समस्या अब भी जस की तस है। फरक्का बैरेज हुगली के मुहाने से गाद साफ करने के अपने मकसद में नाकाम रहा। दोस्तों, बंगाल के एक इंजीनियर जिनका नाम कपिल भट्टाचार्य था, उन्होंने 1950 में ही फरक्का बैरेज से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में चेतावनी दी थी। बिहार में बाढ़ आने की समस्या को उन्होंने फरक्का से जोड़ा था। साथ ही उनका मानना था कि फरक्का के कारण बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में तो बाढ़ आएगी ही, साथ ही बिहार के पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिले हर साल पानी में डूबेंगे। बैरेज के कारण गंगा की गति धीमी हो जाएगी, जिससे पानी में बहकर आने वाले गाद गंगा नदी के तल में जमने लगेंगे और गाद के कारण गंगा उथली हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, अभी रायगंज से हम लोग लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं। ड्रिंक्स व्रिंक्स थोड़ा पी लेते हैं, काफ़ी एनर्जी डाउन हो चुकी है, धूप भी बहुत तेज है और रायगंज जरूर पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सिलीगुड़ी में पहुंचने का। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, देख सकते हैं पतली सी नदी के पास से ही मक्के की खेती हुई है और दूर दूर तक खाली मक्के की खेती दिखाई दे रही है और गजब का मतलब लग रहे हैं खेत। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं बोतलबारी, रास्ते के बहुत करीब है। यहाँ से बोतलबारी है 2.5 किलोमीटर और समय हो चुका है लगभग 3:30 बज रहा है। तो बोतलबारी के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि अगर शाम हो जाती है तो उस रास्ते को अवॉइड करना है। तो देखते हैं, सीधे डालखुला रोड को पकड़ के जाएंगे। बोतलबारी थोड़ा शॉर्टकट है एकदम से, तो चलिए सामने देख लेते हैं किस रास्ते से होकर जाएंगे।
दोस्तों देख पा रहे हैं रोड के बाएं तरफ है बिहार और ठीक मेरे अपोजिट दाहिने तरफ है वेस्ट बंगाल। हम लोग अभी डाल खोला होकर जा रहे हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी है। अभी देख रहे हैं यहां से अभी भी 25 किलोमीटर दूर है। और कितना टाइम हो रहा है अभी? 7:00। कितना 7:13 हो रहा है, तो लगभग और 40 मिनट लगेगा यहां से। तो अब वहां जाके आपसे फिर बात करते हैं। होटल भी बुकिंग करना पड़ेगा, होटल भी बुकिंग नहीं किए हैं। क्राउन विला में रह जाएंगे। हाँ, तो होटल वहां पे जाके बुकिंग करेंगे और बुकिंग करके देखते हैं क्या है, फिर अगला सुबह को प्लानिंग करेंगे दार्जिलिंग या मिरिक जाने का। तो 40 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने होटल में चेकिंग कर लिया है। होटल का नाम है क्या नाम है ललित? प्रियांशु। होटल प्रियांशु नाम है, सिलीगुड़ी में है। और होटल कम रेस्टोरेंट, यहाँ रेस्टोरेंट भी है, लेकिन होटल में चेक इन करने के दौरान ही थोड़ा झगड़ा हो गया। पहले हम फर्स्ट फ्लोर में दिया जिसका कि डोर लॉक ख़राब था। मैं बोला कि भाई आपका तो डोर लॉक ख़राब है, तो अगर सामान रखते हैं अगर चोरी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बोला ना आपने सस्ता बुकिंग किया है, मुझे ऑनलाइन ही बुकिंग किया था, कुछ देर पहले बुकिंग किया था, जिससे कि 700 रुपये में हो गया वो। लेकिन वो बोला कि आपने सस्ता बुकिंग किया है इसीलिए तो आपको दे रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए अच्छा किया था कि आपको देना चाहा, लेकिन आपका प्रॉब्लम जैसा भी है वो अपना अपना मतलब ये बोलने लगा, झमेला करने लगा। तो ठीक है चलिए, तो होटल में चेक इन हो गया। अब सुबह निकलेंगे हम लोग, या तो मिरिक जाएंगे या फिर दार्जिलिंग के लिए निकलेंगे। ये देख सकते हैं होटल के, होटल अच्छा है, फोर्थ फ्लोर में है और इनसाइड डेकोरेशन अच्छा है। लेकिन ये बेड देख रहे हैं, बेड गंदा है। बेड तो आप नहीं देख पा रहे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बेड जो है ये गंदा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। बेड शीट हम लोग लेके ही आए हैं, उसको डाल देंगे यहाँ पर। तो अगर इस होटल में आते हैं तो इस होटल को बुक मत करें, क्योंकि मेरा रिव्यू और फीडबैक इस होटल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो है ये लोग ठीक नहीं है। और फिर से फोर्सली बोल रहा है कि आपको पसंद नहीं तो आप चेकआउट कर दीजिए। बताइए कोलकाता से मैं इतना राइड करके आया, हैरेसमेंट हुई और फिर मैं चेकआउट करके कहाँ जाऊँगा? तो मैंने धमकाया, बोला तो ठीक है मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो उसके बाद फिर सब मामला ठंडा हो गया। तो यही था दोस्तों, तो अब जाते हैं थोड़ा बाहर खा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं।